दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना का उद्घाटन किया। इस बीच वहां सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। जहां पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना के तहत दिल्ली की पहचान कहे जाने वाले चांदनी चौक की अलग तस्वीर देखने को मिली। इस बीच वहां कई लोग सेल्फी लेते भी नजर आए। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ इस सड़क पर चलने की अनुमति होगी, गाड़ियां इस पर नहीं चल सकती हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि चांदनी चौक की सूरत बदलने से ये आने वाले दिनों में दिल्ली का एक अहम टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। कोई भी अब दिल्ली आएगा तो सबसे पहले चांदनी चौक देखने के लिए आएगा। हालांकि इस बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने चांदनी चौक में गाड़ियों के चलने पर रोक लगाने के फैसले को गलत बताया। जो आदमी यहाँ रहता है, जिसको नौकरी पे जाना है 10 बजे 11 बजे, वो कैसे जाएगा? केजरीवाल सरकार ने इस इलाके को नॉन मोटर व्हीकल जोन में बदल दिया है, यानी यहाँ मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी, ताकि पैदल चलने वालों को यहाँ किसी तरह की परेशानी ना हो और वो आराम से यहाँ घूम सके या शॉपिंग कर सके। इतना ही नहीं, करीब 1.5 किलोमीटर की इस सड़क को खूबसूरती से तैयार किया गया है, जिससे ये अहम टूरिस्ट स्पॉट बन सके। दिल्ली सरकार के मुताबिक यहाँ रात 12 बजे दुकानें खोलने की मंजूरी दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुँच सके। सरकार ने यह भी भरोसा दिया कि यहाँ की सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या भी जल्द दूर कर ली जाएगी। कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर में भारत के आखिरी गांव में कैंप लगाया। ये गांव जम्मू के पुंछ जिले में LOC के बेहद करीब है, जहां पहुंचने के लिए सेना के जवानों को जंगली रास्तों की मुश्किल चढ़ाई और उतराई को पार करना पड़ा। सेना की मेडिकल टीम के साथ कुछ हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे। पुंछ के देरी दबसी गांव में पहुंचने पर सबसे पहले गांव वालों की वैक्सीन की अहमियत के बारे में बताया गया। साथ ही डॉक्टरों ने उन्हें कई तरह की बीमारियों से निपटने के नुस्खे भी बताए। जिसका सेकंड डोज ड्यू है, वो आज माम से इधर लगवा लेना है, ठीक है? काफी सारी वैक्सीन लेकर आए। जिस इलाके में सेना ने ये कैंप लगाया, वहां आम तौर पर डॉक्टरों का पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए गांव वालों ने भी वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। काफी तादाद में गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी वैक्सीन लगवाने के लिए सेना के कैंप में पहुंची। भारत के आखिरी गांव के लोगों ने इस अभियान के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। आर्मी की तरफ से यहां मेडिकल कैंप लगाया गया है और हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। इतना ही नहीं, इस मेडिकल कैंप में लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक किया गया और तीसरी लहर आने की सूरत में बचने की सलाह भी दी गई। उत्तराखंड के